लेना भाई, मैं उधर से निकालूंगा। आंटी भी जाम में चल रहे, मेरे को पैर यहाँ टिकाने का वाला जाम लगा रहा है ये। आज मैं जो जो रूट पे जा रहा हूँ मेरे लिए नए हैं। तो गाली वक्त देना रे कोई से। रुक जाओ अंकल, वाली भसड़ पे पार वाले आके अपनी ऐसी जैसी करवा लेते। नई ओडी दिख गई भाई, क्या चूतिया। सो है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अभी सीन ये है कि अभी हम जा रहे हैं थोड़ा अपने दोस्तों से मिलने, क्योंकि एक आसिमा पे है और एक आ रहा है बाक्स बने पेट्रोल पंप के पास, तो वहीं जा रहे हैं। और अभी मैं घर से निकला ना, मेरा माइंड खराब हो गया कि भाई 5-6 मिनट ज्यादा मुझे घर से निकलने में लग गया, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज्यादा उधर साइड। ये रेड वाला कार जो आगे के चल रहा ना, ये साला भाई पता नहीं क्या चला रहा, ना साइड दे रहा चूतिया, ना तो कुछ कर रहा। अभी भी देखो इस साइड दबा के रखे ना, पहले भी ऐसा था, ना साला साइड दे रहा ना तो साला आगे बढ़ा रहा, धीरे धीरे धीरे। माँ कसम इतना दिमाग खराब लगा, गाली बकू पर मैं सोचा रहे यार अपना मुंह क्यों गंदा करने का, अपन ने सोचा कि अब गाली गलो ज्यादा नहीं करने का, पर लोग चाहते यार मैं दू। मेरा 2 साल बार बार फोन लगा रहा, उसको सारा चटकाऊंगा कि साले इतना जल्दी क्या है, कहाँ जाएगा तेरी भैंस की टांग। अभी चलते हैं। और हाँ, मैं ये मोटो ब्लॉगिंग ना आज से 5 दिन बात कर रहा हूँ भाई, तुम लोग सोचोगे और बोलोगे भी कि साले वीडियो तो आ रही है, कहाँ 5 दिन बात कर रहा है भाई। देखो वीडियो जो एक्स्ट्रा वाली शूट करके रखा रहता हूँ ना, वो आ रही थी, और जो आज शूट कर रहा हूँ भाई, ये 5 दिन के बाद ही कर रहा हूँ। समझे कि ना समझे, ना समझो समझ जाओ। और आज ब्लॉगिंग के चक्कर में हमने जिम छोड़ दिया, ब्लॉगिंग के चक्कर में जिम छोड़ दिया। हमने सोचा यार देखो क्या है कि मम्मी है नहीं और जिम जाना पड़ रही है शाम के टाइम, जिसमें हम निकलते हैं अपना सूट उट करने। और इस टाइम में कहाँ है मेरा दोस्त, कहाँ है, पहले उसको फोन लगाऊं। इसकी है इसकी टांग है, कहाँ है लड़का, कहाँ है बाबा, अरे बाबा इसको फोन लगाओ पहले, रुक के इधर साइड में, साइड में रुकने का, भाई को फोन लगाने का। आया था इसका फोन मेरे पास। वो सामने खड़ा है, ओए सामने खड़ा भाई, पैदल आया क्या वाला यहाँ तक भाई, ओ भाई इतनी दूर लड़का पैदल, अजीब आदमी यार भाई यार। पहले उसको आन दो, ये आसिमा मॉल यहीं अपनी जिम है, यहीं आने को सोचा था पर नहीं आ पाए हैं, समझ रहे हो साला, आशिकी कर रहे हैं। अरे पैदल आया था, पैदल आया था यहाँ, किधर जॉब किधर कर रहा। इसको भी हमने उठा लिया है, हमने पहले सोचा मिश्रा आएगा पिज्जा लेने गया, साला आया नहीं इधर से, किसी और साइड से चला गया, इसकी वजह से डांग। तभी कोई ना, अभी हम चलते हैं आज जिम छोड़ के घूमने। ये साला कुछ खिला पिला तो रहा नहीं है, ये नहीं है गरीबों कुछ खिला दे, ऐसे ही चलते अभी अपन भटकने, भटक रहे बारिश में, मौसम भी अच्छा खासा हो रहा है। अरे भाई क्या कर रहा है, मौसम भी एक नंबर हो रहा है दोस्तों, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है भाई साहब। ये मम्मी जान जान, अरे एकदम से मोड़ लो ना अंकल। आप सभी का स्वागत है इस गंदे से जाम में, जाम पे स्वागत है, तगड़ा वाला जाम है, सब चौक जाम में चल रहे, आंटी भी जाम में चल रहे, भैया भी जाम में चल रहे, हम भी जाम में चल रहे, बाबा इधर से लो। क्या बात है अंकल जी, क्या गाड़ी फंसाई है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भैया ने मनी मन में अंकल जी को बोला, अंकल जी ए रुक जा, चूतिया है काबे, ओए 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 ओए, मेरे को पैर यहाँ टिकाने का ही नहीं, पैर ना टिकाने का ही नहीं। ए बाबा ये लो भैया, एक खटाक से यहाँ से घुसेड़ दी है गाड़ी, और इधर से चल रहे हैं। ये लो ये लो ये लो ये लो भाई साहब, ओ भाई साहब, चलो भैया इतना गंदा वाला जाम लगा रहे, ये आगे वाला भैया तुम्हें तो फंसा दिया होता भाई, ये आगे वाले की बस की नहीं है, आगे वाले की बस की नहीं है भाई। आगे पप्पा निकाल ले दादा, हाँ जी वाह जी वाह, हाँ निकल गई भाई निकल गई, फाइनली हमारी गाड़ी भी निकल गई। यो इसको हम लेके आ चुके हैं इस रोड पे, और इस रोड पे कहीं भी चले जाएंगे, किधर भी चले जाएंगे हम घूमने का माने, कहीं भी चले जाओ घर से निकलो तो। अरे ये है अंकल, वाह देखा रॉन्ग साइड उसके बाद भी आ रहे हैं भाई साहब, रॉन्ग साइड आना ओए, अबे साले कैसे है बे, अबे नहीं यहाँ से रॉन्ग साइड ले रहे भाई, चेकिंग चल रही थी क्या वो साला, उनके चक्कर में इंसान मर जाएगा भाई सामने वाला, ये क्या देख रहे हैं इतने गोर, हाँ अबे इतना ही बनाया था और ये टूटा है,
भाई साहब। बाकी इधर बिल्डिंगे बन रही है गाइस, लोग जा बाग बहुत ज्यादा रॉन्ग साइड आ रहे। भाई मौसम पानी वाला हो रहा है क्या? धुआं धुआं हो रहा है भाई चारों तरफ। पता नहीं पानी वाला हो रही है या नॉर्मल हो रही है, पर धुआं धुआं हो रहा है। हम सीधे जाएंगे, सीधे जाएंगे, इधर जाएंगे। एक अकेला बैठा है वे, तो बैठा है वे। भाई को लगता है कहीं केटी साइड ले जाऊं। अभी हम सीधे जा रहे हैं, अभी हमारा मन था कुछ खाने पीने का, तो देखते हैं क्या खाते हैं। हम इधर साइड जा रहे हैं, पेट्रोल डलाना है। हम तो आज ऐसी गाड़ी ढाल दिए हैं और ऐसे घूमने निकल गए हैं। मैं कहा अभी यहाँ से निकल लेते हैं, है ना। हमें पेट्रोल डलाना इसलिए इस रास्ते में जा रहे हैं। देखते हैं आगे कुछ खाएंगे, अगर आगे नहीं खाएंगे तो हम घर वापस आएंगे, घर के पास कहीं खाएंगे आसपास, क्योंकि इधर हमें पता नहीं कौन चीज कहाँ मिलती है क्या मिलता है। हमारा देश हमारा भाई वहाँ वहाँ हाँ 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 इधर डाल, इधर कहाँ है, क्या बात कर रहा, बोलो भाई। रुक जाओ अंकल। अरे भाई हारम बजा रहा, उसके बावजूद भी वहाँ खड़ा। टेढ़ी टेढ़ी गाड़िया चूतिया। हारम बजाने के बाद बंदा एकदम तेजी में गाड़ी घुसेड़ रहा है। आज मैं जो जो रूट पे जा रहा हूँ मेरे लिए नए हैं ये, पर पतला पतला दिख रहा भाई, सही लग रहा है। सिंगल रोड है, गाड़ी भगाते हुए चल लो, है ना, मजा आ रहा। वैसे इसको लेकर उसको साले सारे रास्ता पता, वो सामने पेट्रोल पंप है, पर यहाँ कट किधर है, आगे से है। चलो भाई कट इधर है, इधर है कट, यहाँ से डलाएंगे हम पेट्रोल, क्योंकि देखो पेट्रोल का ही भरोसा नहीं, कभी भी खत्म हो सकता है। अच्छा खासा बड़ा पेट्रोल पंप है बे, पेट्रोल पंप बड़ा है। आता ही बाजू से यहाँ से। अच्छा क्या बात है, इस लड़के को सब पता है भाई। यहाँ थोड़ा सा पानी भरा है, पानी पानी, गड्ढा तो नहीं है। भाई गड्ढा था। ओ भाई भाई कसम से गड्ढा था, जहाँ पानी भरा है मेरे को लग ही रहा था गड्ढा तो नहीं है, गड्ढा भी नहीं है भाई। गड्ढा मिल गया, गड्ढा मिल गया। उधर एक रास्त्री का एकदम फुल तेजी में हिला रहे हैं। ले 220 का, 220। हेलो भाई, अंकल खुराक बना रहे क्या? के लिए ऐसे भागता था ना चोरी छुपे, जब ऑफिस से निकलना होता था तो देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो 220 का। हाँ डलवा तो फिर, हाँ हाँ डलवा 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 लो 220 का। लोग पता है तू डलवा सकते है, डलवा सकता। मैं तेरे को नंबर देखने का। हाँ 20 का बोला तूने। भैया तेरे को गाली रख देंगे मुंह पे डायरेक्ट। क्यों भैया? भैया इसको गाली रख देना, अरे कोई से अच्छी गाली हो तो। गाली व्हाट्सएप कर दे, नंबर दे। बंद हो जा। चलो भाई अभी चलना हाईवे बैठ। चलो भाई अभी हमने डाल दिया है इस रोड पे गाड़ी, ये हमको पता नहीं साला कहाँ जाता है। ओयल आया बे, ओयल आ लिया है साला। ए चलो एक चीज अच्छा, यहाँ ओयल पता चल गया कहाँ पे है साहू के लिए। ओ भाई साहब, भाई तेरे लिए पता चला भाई, मैं तो शरीफ आदमी भाई। हाँ अरे झाड़ू के पीछे जाता तू। हाँ वो वाला ब्लॉक्स पड़ा है ना झाड़ू के पीछे जाने वाला। अभी ये क्या है बे? अच्छा अच्छा कॉलेज का है। मैं लगा ऐसी है, चढ़ के देखते भाई। वो झूला वाली है भाई। ये किधर किधर इधर भाई देख लो, और नए नए रास्ते दिखा रहा हूँ। लोग गाली नहीं बकने चाहिए ना कि अलग अलग रास्ते भी नहीं जाता है। आज जा रहा हूँ मैं अलग अलग रास्तों पे, देख लो तुम्हारा भाई अपने बेटे को बैठा के नए नए रास्ते में जाते हुए। बस पानी ना गिर जाए, नहीं मेरा बेटा भी गीला होगा, कैमरा भी गीला होगा। बस वो तो पता है सामने जाएंगे वो। हाँ जाएंगे, वो तो पता है। ये वाला रास्ता तो आया हूँ मैं, ये वाला रास्ता तो आया हूँ, बस वो वाला नहीं था। पर भाई ये भी अच्छा व्यू लगता है यहाँ का। अब यहाँ क्या खिलाएगा ये मुझे, क्या खिलाएगा ये बेटी का, अभी देखते हैं। यहाँ से यू मुड़ के आते हैं, यहाँ से यू मुड़ के आते हैं, ठीक है।
अभी खाने की जुगाड़ कर, कुछ अच्छा चीज खाने को मिल जाए, कुछ अच्छा चीज। अभी हमारा खाने पीने वाला कैंसिल, क्योंकि देखो इधर जो खाना है वो है नहीं। और आजकल हम जिम वाले हो गए ना डाइट के, समझ रहे हो, और ये इधर प्यार मोहब्बत धोखा है। और बढ़िया है भाई, ये कॉलेज के सर है कौन है? चलो आज मैं नए नए रास्ते में जा रहा हूँ, अपने दोस्त को बैठा के लाया हूँ ना, तो नए नए रास्ते में जाने का, नए नए रास्ते एक्सप्लोर करने का और मौज उड़ाने का। समझा क्या कि नहीं समझा? इधर भी रोड बन रही है, हो सके और कल मॉर्निंग में देखता हूँ यार, कल मॉर्निंग राइड करेगा कि नहीं करेगा। नींदी नहीं खुलती है कि, तो हो तो जाए पर नींदी नहीं खुलती। सर आके ना दिख रहा है बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हमें, और भाई के साथ आज आया हूँ तो अलग अलग रास्ते को देख रहा हूँ मैं, सब याद करके रखूंगा मैं। बढ़िया है भाई, इसमें इधर भी लगता आया हूँ, पर ये थोड़ा सा अलग वाला। ये पहाड़ों पे आ गए क्या? ये ऊंचा ऊंचा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम पहाड़ों पे आ चुके हैं, पर कोई ना, बढ़िया है। जहाँ भी आए हो एक नंबर है। अरे भाई साहब इधर भी ब्रिज है क्या? सब जगह ब्रिज है भाई, पर इधर बिल्डिंगे बहुत ज्यादा बनी है। सबसे प्यारी वो मंदिर लग रही है, अच्छा नाला है इधर, सबसे प्यारी वो मंदिर, एक नंबर। ये क्या है? 1000 जुर्माना किया जाएगा। काय का है? कागज फेंकने पे। जय भगवान जी, जय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलो भगवान जी का भी दर्शन हो गया रे बाबा। इधर से तो एकदम सही रास्ता बताया यार इसने, तो बीजे साला चूतिया हमको कहाँ कहाँ से ले गया था। आप लोगों का एक और नए रास्ते में स्वागत है, और नई ओडी दिख गई भाई, क्या बात है, क्या लग रही है। नए रास्ते में और ओडी दिखे, ऐसा हो ना सकता ना दिखे, क्योंकि इधर बहुत सारे रईस लोग रहते हैं, बस हम ही गरीबी जगह में रहते हैं। भाई ऐसी जगह अच्छी लगती है यार, ऐसी जगह घर होना चाहिए, खाली एकदम सुन सा। इधर भी कॉलोनियाँ बन रही है, बढ़िया जगह भाई, ये भी जगह एक नंबर है, यहाँ ही बना लो, बहुत बढ़िया है। और लोग सोचते कि ये पास पड़ेगा या दूर पड़ेगा? अरे भैया वहाँ हो तो कुछ चीज दूर पड़ता है, यहाँ हो तो कुछ चीज दूर पड़ेगा, सहना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, इतना इतना तो सहना पड़ेगा ना। फिर से हम वही भसड़ पे आ चुके हैं, ब्रिज वाली भसड़ पे। ये यहाँ पे यहाँ होती है भसड़, आज कम है पर होती है भाई, ज्यादा होती है। ये देखो, ओहो मोट सॉरी बॉडी सेविंग हो जाएगी। एक पुलिस वाला बैठा रहता शांति से, उसको मतलब ही नहीं है दुनियादारी से, तुम कुछ भी करो, सारे रूल तोड़ो, ट्रैफिक का नियम तोड़ो, नहीं मतलब हमें, क्योंकि आधे से अधिक लोग तो इधर रॉन्ग साइड चले जाते हैं भाई, बाक्स बने वाले साइड से डालते नहीं है, हमें रॉन्ग साइड जाना नहीं है। अबे सुन तो, अपन को तो तेरी गाड़ी लेने जाना ही पड़ेगा है ना, वहाँ तो बाक्स बने से डालें तो गाड़ी कैसे लाएंगे है ना। चलो भाई हम तो बाक्स बने से डालेंगे, क्योंकि उसकी गाड़ी भी वहाँ खड़ी ना मॉल के पास। से गंदी वाली भसड़ पे, जो होती है सबसे घटिया वाली भसड़। इंडियन वाले भैया क्या हाल है, हमें गाड़ी डालना है यहाँ, और यहीं होती है सबसे गंदी वाली भसड़ भाई। अरे बाबा, अरे बाबा, अबे आराम मत दे, नहीं रुकूंगा मैं, हमें इधर ही साइड दबाना है, क्योंकि हमको इधर जाने का। चलो ये कार वाला भी अपने साथ है भाई, वो देख अंकल वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हैं, एकदम चेहरा पेरा चमका के। साहू लाइन उलझ रही है उधर। ओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, कोई नो गाड़ी तो नहीं आ रही, कहूँ नो गाड़ी तो नहीं आ रही, नहीं आ रही भाई। अब हमको लग रहा थोड़ा बहुत हमको दानिश से मिलेगा, देखे फाड़ दिया ना इनकी। साहु तेरी तो नहीं फटी? अच्छा ओए भैया, तुम कह रहे हो तो यहीं से जाएंगे। चलो अच्छा, ये रोड बन चुकी है क्या? हाँ बन गई, ये पता नहीं था मुझे अभी तक। चलो भैया इधर तो रोड पे पता नहीं आजकल बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग रहा है, अभी मैं एक जगह से घुसेड़ूंगा ना फटाक से ट्रैफिक से क्लियर होकर निकलेंगे, क्योंकि तुम्हारे भाई के पास टैलेंट है। टैलेंट लेके चल रहा हूँ भाई मैं, टैलेंट लेके। रोड बनी और छोटे छोटे ब्रेकर तैयार हो गए, बहुत बढ़िया जी। आ तो चुके हैं, पर इस रोड में इन लोगों ने जो कार वाले आके अपनी ऐसी तैसी करवा लेते ना भाई, इनके चक्कर में पुलिस वाले और रास्ता बंद करते हैं, और ये साले कार और वाले ऐसी कराते ना तो और ज्यादा जाम लगता है। और इधर वही हो चुका है, वही चीज हो चुका है जो नहीं होना चाहिए था, आगे ट्रक वाला फंस गया है। चलो भैया, अरे यार भाई क्या बात है भाई,
भाई बहुत गंदा भसड़ है वो। निकल जाते बे, अबे निकल जाते भाई, बस निकल। हाँ वो तो कर, तो उधर ही पुलिस वाले खड़े होंगे साले। इधर से पहले गाड़ी इधर फंसाओ। हाँ ये देख लो, हल्की सी जगह देते मैं ही फंसा दूंगा। पीछे कर ले भाई हल्की सी। चलो मैडम आप लगाओ, हम भी लगाते हैं। क्या बात है जी। हाँ ये बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात कही आपने। यहाँ से निकल चुके हैं। चलो अब अपन गाड़ी यहाँ से डालेंगे। चलो भाई साहब वो जमगी पूरे हेलमेट में भाई। यहाँ से रास्ता था ना रे, क्यों यहीं से था ना साला रास्ता। रास्ता तो एक ही होगा ना भाई, चाहे आगे से चाहे यहाँ से हो। हाँ अरे यार आगे से कहाँ से। चलो भाई गलत रास्ता, गलत गराज तक। अच्छा वो वाला है। हाँ समझ गया। चलो गलत रास्ते पे भी डाल दे गाड़ी हम। ट्रैफिक के कारण देख रहे हो कुछ भी हो रहा है। ये क्या 4G होटल? अच्छा होटल है भाई। हाँ 4G का, 5G का, 6G राजस्थान यही तो है साले। हाँ अच्छा ये आगे वाला कर लो भाई, रास्ता बंद कर दिया इन लोगों ने, सालों ने, क्योंकि यहीं से रास्ता यहीं से था। अरे भाई माँ कसम इतना गंदा फंसना पड़ा। वो देख गेट लगा है, गेट है। ये ऊपर से कार और वाले जो खड़ी करके चले जाते हैं ना। हाँ तो खाओ भाई, कुछ सही नहीं तो हम जलेबी खाने आ चुके यहाँ पे। अभी ये बंदा जलेबी ले रहा है, जलेबी लेते हैं। आओ चलना के पैसे। जलेबी खाने बाद वापस से जाम में फंसने के लिए हम निकल चुके हैं। किधर से निकलेगी? अरे उधर से गाड़ी तो है, पर चल बैठ वो भो। निकाल भाई, निकाल आगे निकाल। तो इधर कर लेना भाई, मैं उधर से निकालूंगा। हर चीज में वही चाहिए। चलो भैया हम गाड़ी अभी इधर से डाल दिए हैं। बाबा बाबा आंटी जी देखो भाई, आंटी जी दमदार है। अंकल जी ट्रैफिक लग रहा है उसके बावजूद भी गाड़ी यहीं खड़ी कर रहे हो। एक तो लोगों के अंदर भाई समझ नहीं है, इसी रोड में ट्रैफिक लगता है, रेड वाई रोड पे खड़ी कर दो, हर कोई तो अभी उसी में खड़ी कर रहा है। नहीं है भाई, हम तो बस घर से ऐसे ही निकले थे, साला इनने माहौल जमा दिया है पूरा ट्रैफिक का। कोई ना जो अभी दोस्त को अपने छोड़ते, पता नहीं कैमरा चालू है कि बंदे रे बाबा मेरा। अरे सब रास्ता पता, भात मत दे किधर जाएगा, उधर पार्किंग है साला। यार कार को अचानक सीधे 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 को छोड़ के अब यहाँ से निकलते हैं। गाड़ी ओड़ी हमने घुमा ली है, आ जा कूद जा कीचड़ में, और क्या होगा। कूद जा भाई कूद जा। चलो भाई बाय कर ले इससे, अपन भी निकलते हैं घर। पहले मैं सफाई से चला जाऊंगा, पर अब इधर से ही जा रहा हूँ। कोई ना ट्रैफिक झेल लेंगे थोड़ा बहुत, चल जाएगा। अब जाके फटाफट दुकान में बैठना है यार, क्योंकि टाइम हो चुका है, जितने बजे आना था। लगता है किसी कार में एक बार चपका दूं गाड़ी में, मन तो होता है मेरा साले जो ऐसे हरकतें करते रहे तो कार और घुसेड़ दे, मन तो करता है भाई, पर क्या करे, पापा पास उतना पैसा नहीं ना, फिर भरना भी तो पड़ेगा, साले गाड़ी रख लेंगे मेरी। तो चलो भाइयों अपन आ चुके हैं हासिमा, इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग का एंड। ये ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस हम ऐसे रेंडम में निकल गए थे, हम सोचा कुछ शूट करेंगे जाके, पर हमारे का जगह डिसाइड नहीं हो पाती है, ऐसा रहता है। हम घर से निकलते जगह डिसाइड ही नहीं करते, कल से कल मॉर्निंग में देखना है, मेरा डिसाइड है कि मेरे को जाना है VIP रोड साइड, तो चलो वो डिसाइड है, बाकी जगह डिसाइड नहीं हो पाती है, इसलिए नहीं जा पाते हैं। तो आज के इस ब्लॉग करते हैं यहीं पे। अगर आप लोगों ने वीडियो को देखा जरूर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।